वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो यार आज की इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जो आज है हम लोकन ढूंढने के लिए, तो लोग जो इस्तेमाल करते थे 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो लोकन इस्तेमाल करते थे, वो लोकन देखने के लिए आए। जो एरिया का नाम है छत्रपति शिवाजी वास्तव संग्रहालय, तो उसके अंदर जाते हैं, एक म्यूज़ियम है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। आई होप तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो ये देखते हैं। फाइनली मैं म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ, तो चलिए आगे जाते हैं। म्यूज़ियम के अंदर क्या होगा आई होप मुझे पता नहीं। बाकी यहाँ का एरिया ना काफ़ी मस्त है, आप लोग भी एक बार आओ। छत्रपति शिवाजी वास्तव संग्रहालय एरिया का नाम है, जो चर्च गेट में स्थित है, चर्च गेट के बाजू में ही है। तो एक बार आप लोग भी आओ घूमने के लिए। तो चलिए लोकन ढूंढते हैं आगे आगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक हमारे साथ पूरा बने रहिए। स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों यहाँ का एरिया ना काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने के लिए। एरिया काफ़ी पुराना टाइप का ही है। बाकी इधर का जो डिज़ाइन वगैरह काफ़ी यूनिक चीज़ है, जैसे दिखने को मिलता है ना। ठीक है, ये जो चीज दिख रही है ना पूरा एकदम मकड़ी हुई है, मस्त लग रहा है दिखने के लिए। एक्चुअली खेत वगैरह होता है देखते हैं, मतलब खेत मतलब क्या बोलते उसको, जो फूल का देखभाल करते हैं ना। ये देखो एक आंटी है, वो खेत पे लेने उनके लिए एक तो लाइक बनता है यार देखने के लिए। बाकी एरिया काफ़ी एक्सप्लेन है देख सकते हैं। तो यहाँ का एरिया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यहाँ का हिस्टोरी मतलब काफ़ी पुराना चीज़ के लिए जाना जाता है। म्यूज़ियम एक्चुअली एक म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। तो यार अब लोग भी ना इधर एक बार ज़रूर आओ, काफ़ी अच्छा जगह है, फ्रेश एकदम लग रहा है। देखो ऐसे लग रहा है ना, काफ़ी इधर अगर मूवी बनाओगे ना काफ़ी अच्छा लगेगा देखने के लिए। और एरिया देखो भाई साहब, पूरा फुल सिनेमेटिक लग रहा है। बस ये नॉर्मल मोबाइल से शूट कर रहा हो, अगर अच्छा कैमरा होता तो पूरा सिनेमेटिक लगता था। आप लोग एक बार सपोर्ट करो, इधर फिल्म बना के जाऊंगा, बस मजाक था। बस चलिए आगे आगे जाते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है म्यूज़ियम के अंदर। बाहर से भी भाई कैसा लग रहा है, काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, नया सा लग रहा है। तो चलिए आगे आगे जाते हैं, देखते क्या है। दोस्तों यहाँ ना बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। यहाँ का जो डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं, ये पुराना टाइप के जो मॉल वगैरह नहीं है, ये यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग स्थिति में मूर्ति वगैरह है, छोटी छोटी चीज़ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है यहाँ का एरिया। तो चलिए और कुछ देखते हैं यूनिक सा, ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर ना दोस्तों म्यूज़ियम में ना बहुत कुछ देखने को मिलता है, राजा महाराजों का देख सकते हैं। आप लोग भी आगे एक बार ट्राई करो, एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है देख सकते हैं। इधर अंदर भी एक है देख सकते, चले जाते हैं अंदर।
पहले दोस्तों फर्स्ट वाले में जाते हैं नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे भी एक सीढ़ी है, यहाँ पे भी एक सीढ़ी है, इधर पे काफ़ी सारी प्राइमरी है इधर। फाइनली अभी देखने को मिलेगा बहुत कुछ रॉक एंड चीज़। तो दोस्तों एक कहावत है, जो लोग हज़ारों साल प्राइमेट जो सिखाना हज़ारों साल लाखों साल साल पहले जो यूज़ करते थे लोग जो पत्थर वगैरह से, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ सैंपल रेंटल रखे हैं लोगों ने, जो आज से हज़ारों साल लाखों साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, देखो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ को ना देखने को मिलता है इधर। देखने के लिए काफ़ी सारी मूर्ति वगैरह है। तो यार दोस्तों आओ तो सही पेमेंट देखने के लिए। सब ओरिजिनल है दोस्तों ऊपर, तो आओ सही। ये देखो इन लोग करते थे। बाकी यहाँ का एरिया काफ़ी एक्सटेंडेड भी है, तो भी अच्छा भी लग रहा है। तो भाई एक और भी है, काफ़ी यूनिक सा लग रहा है देखने के लिए। मेरा पुराना औजार जो चाकू वगैरह तलवार जो देखते थे जो राजा जमाने का था, देख सकते हैं काफ़ी सारा तलवार वगैरह है। देख सकते हैं एक टाइम घड़ी है पहले ज़माने का था, देखो टाइम स्पैन साइड प्राणी। पे काफ़ी तलवार वगैरह है देख सकते हैं आप लोग। एक जगह पे तलवार है ग्लास के अंदर, जो पुराने ज़माने में सब तलवार लोग यूज़ करते थे मारा मारी करने के लिए, काटने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए लोग करते थे। चाकू वाकू यूज़ करते थे। सबसे ज़्यादा मेरे को यही अच्छा लगा था, जहाज वगैरह शिप वाला करते थे। शिप तो आप लोग पहचान देगा आज। या छोटी छोटी देखो जो बम बम मारने के लिए। दोस्तों पहले ज़माने में ना कुछ ऐसे बोर्ड होते थे लोगों का, जहाज़ होते थे देखने के लिए मिलते थे, वो छोटी छोटी दिख रही है ना आप लोग ऐसे देखने को मिलते थे। दोस्तों यहाँ ना जो पुराने टाइप का जो प्राइमेट था ना, तो देखो लोग ने सिर्फ सैंपल रखे इधर दिखाने के लिए। उनके लोग छोटी छोटी चीज़ प्राइमेट काफ़ी यूनिक सा लगता है देखने के लिए। कि यार आप भी आओ एक बार इधर घूमने के लिए। चलिए दोस्तों आगे आगे जाते हैं ऊपर, देखते क्या मिलता है। ऐसा क्या नज़ारा है यहाँ का। सो दोस्तों यहाँ का क्या नज़ारा है, सबसे ज़्यादा मेरे को घूमने लगा यहाँ का। ये कुछ आकार का बॉक्स वगैरह पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं। चलिए म्यूजियम पे जाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ का एरिया पे ना जितना छोटी छोटी बर्तन है, मूर्तियाँ वगैरह है, उन ग्लासों का अंदर है छोटी छोटी चीज़ देखने को मिलता है पुराने ज़माने का, तो इधर ही देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ भी देखो तलवार वगैरह है, काफ़ी कुछ है देखने को, देख सकते। और ये देखो और चीज़ें, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखो अंदर, देख सकते हो काफ़ी छोटा छोटा चीज़ है, जैसे इधर नाम भी लिखा है सब, प्लेट कप का पुराने टाइम का है। छोटी सी शॉप है, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है देखने के लिए, छोटी सा है म्यूजियम के अंदर ये देखो, शायद लोग पुराने जमाने में क्या करते बैठते रहेंगे शायद, तो आप लोग भी देखो। दोस्तों मेरे को ना यहाँ का एरिया ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप लोग भी एक बार आओ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस ये एरिया। पेंटिंग वगैरह देख सकते हो आप लोग पीछे पीछे एरिया का, पेंटिंग वगैरह काफ़ी मतलब काफ़ी एक्सप्लेन और अट्रैक्टिव भी लगता है, यहाँ का एरिया मस्त लगता है। देखो पहले कह पेंटिंग वगैरह है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक फ़ोटो ले लेता हूँ बस मैं, थोड़ा रुकूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ लेने के लिए, मगर पेंटिंग का ग्लास पे लाइट का एरर आ रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा मेरे को यही अच्छा लगा, जो शायद काफ़ी अच्छा लग रहा है पति और पत्नी कभी देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है पुराने ज़माने का इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा ही था जो भी है, अभी लोगों के अंदर प्यार वगैरह सब कुछ था। और आजकल के ज़माने में यही हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी दादी दादा थे। और यहाँ का डिज़ाइन वगैरह देखो, काफ़ी यूनिक सा है एरिया, ऊपर की टाइप देखो और ये है दूसरा साइट, कभी देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर भी बतरन वगैरह काफ़ी है म्यूजियम पे, इधर भी देख सकते हैं मूर्ति है, कभी मेरे को ये सब सबसे अच्छा लग रहा है, पुराना पुराना चीज़ है ना, देखो ना काफ़ी अच्छा लग रहा है म्यूजियम के अंदर, तो पुराना पुराना चीज़ है ना, काफ़ी देखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है पुराना पुराना चीज़। बजाते हैं ना लोग अरे दीदी का चाइनीज टाइप की जैसा ऐसा है इंडिया। एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा यार, छोटी छोटी चीज़ को ना उन लोग संभाल के रखते हैं, जैसे कि दिखा सकते हैं आप लोग, ये देखो छोटी छोटी चीज़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, यूनिक सा लग रहा है एकदम। सो दोस्तों आगे आगे जाते हैं, देखते आए हो और क्या है मिलने, कभी तो अच्छा लग रहा है यहाँ का एरिया घूम के, बहुत कुछ देखने को मिलता है शायद यहाँ पे, अलाउड है क्या वाला मुझे चले देखते, अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से ना लोग नीचे का एरिया भी देख सकते हैं, देखो नीचे का एरिया अंदर से जाते हैं, यहाँ पे कई सारा किताब वगैरह है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी भी गांव में इस्तेमाल करते हैं लोग ऐसे ही, बहुत बहुत जगह में देखा ऐसे ही जगह इस्तेमाल करते हैं लोग, ऐसी जगह गांव को इस्तेमाल करते हैं लोग, अभी भी गांव का स्थिति ऐसे ही है भाई, काफ़ी अच्छा लगता है देखो, कभी दिन भी एरिया में भी मतलब ऐसे ही मतलब बड़ा बड़ा हो गाँव, तो जो
चूल्हा वगैरह देख रही है ना दोस्त, सब मैंने जलाया छोटी छोटी चूल्हा गाँव में अभी भी है। हाँ कई कई जगह देखने को नहीं मिलता ये सब, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। ये भी अभी भी है मेरे घर पे ऐसे है भाई, छोटी छोटी बर्तन वगैरह है, मेरे को सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ उन लोगों को संभाल कर रखे, यूनिक सा लगता है एरिया। देखो प्लेट वगैरह वगैरह सब मिलता है डिनर विनर। मास्टर जी चाय दे रहे, चाय पी लो एक कप से। लोग एक बार फिल्म भी देखे गया जो पुराने टाइम में जो कपड़ा उपड़ा बाहर तुम क्या के बाद चेंज करते थे, तो ये सब था फिल्म वगैरह आप लोग में देखे रहेंगे आए हो। ये भी म्यूजियम में भी है भाई साहब, ये राजा वाजा मोर का दुकान है, ये सब हम भी तो राजा है दोस्तों। यहाँ का है ये, आप लोग कहीं देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अभी सिम सिम भी है एरिया, छोटी छोटी चीज़ को रखा है ग्लास के अंदर, तिल वगैरह है देख सकते हैं। यहाँ का छोटी छोटी चीज़ को एक क्लिप में था मैंने डाला ना लेने के लिए, देख सकते काफ़ी एरिया काफ़ी एक्सलेंट भी है, अच्छा भी है, फेमस है फोटो चचा का। इधर देख सकते काफ़ी बड़ा पेंटिंग लगा हुआ है, अगर कहो तो आपका पेंटिंग उधर लगा दूँ, बताना कमेंट करके। ये अपना छोटू भाई बेटा है, काफ़ी यूनिक सा लगता है देखने के लिए एरिया का पेंटिंग जितना है ना, कभी पुराना पुराना पेंटिंग ही है सब, सब ऐसे ही थे पुराना पीढ़िया है या बांटना। ये देखो ये भी है काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये चेयर भी है भाई साहब। ऐसे कुछ नहीं, मैंने काफ़ी सारा देखा है ऐसा गाँव में, बहुत कुछ है अभी भी, बहुत कुछ है दोस्तों गाँव पे, बहुत कुछ। अभी पुराना ज़माना गया नहीं है, सब अच्छा ही है। देखो पहले ज़माने का टाइगर, मतलब ये तो बस ऐसे है दिखा रहे, बस अभी भी तो है सब कुछ। टापू बाबू इधर का पेंटिंग काफ़ी अच्छा है। मेरे को यहाँ का ना एरिया काफ़ी मस्त लगा, जो लाइटिंग की है ना उन लोगों ने काफ़ी अच्छा है, सबसे ज़्यादा उन्होंने हर एक चीज़ का ना केयर फुल और अच्छे से रखे दोस्तों। एक बार आप लोग आओ घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगे। चलिए दूसरा जगह जाते हैं, क्या है इधर देखते हैं। कांच का ग्रेनाइट भाई साहब, चलिए ये देखो दूसरा है। कई सारे पुराने टाइप का कॉइन्स छोटी छोटी, देखो बहुत कॉइन्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। देखो देख सकते दोस्तों नोट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है देखने के लिए, पुराने टाइप का जो जितना नोट्स था ना ये पहले का 100 रुपये था, देखो 100 रुपये पहले का, ये वाला 100 रुपये, ये कितना, ये 50 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, नहीं यार ये भी 100 रुपये का है लगने, ये आजकल ज़माने का है 500 रुपये 100 रुपये। देख सकते दोस्तों काफ़ी सारे कॉइन्स वगैरह है इधर देखने के लिए, तो पहले ज़माने का सोना वगैरह देखो, आज भी काफ़ी यूनिक लगता है देखने के लिए आजकल। एक एक चीज़ काफ़ी स्मूथ है एकदम, सोना वगैरह। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताओ, मैं बात करके देता हूँ। ये जो है ना बेल्ट दिख रहे हैं ना कमर पे लगाते हैं शायद, स्थिति काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए।
जितना एरिया वगैरह देख रहे हैं ना आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। हर एक चीज़ मिल रहा है भाई देखने के लिए, हर एक चीज़ पुराने टाइप का। एक बार आप लोग भी आओ उधर। ज़्यादा प्राइस नहीं टिकट का, सिर्फ 150 का है। शायद सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है ये। एक बार आके ट्राई करो, अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो चलिए और कुछ रहेगा तो और दिखाते हैं, काफ़ी कुछ तो है इधर। ओरिजिनल वाला है देखो, एकदम ओरिजिनल देख रहे हैं। इधर भी है, $352,000 चलिए दोस्तों आगे आगे जाते। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एरिया, और यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो दोस्तों एक बार आओ घूमने के लिए इधर, काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत कुछ सारा देखने के लिए मिलता है, तो एक बार ट्राई तो करो यार आप लोग। ये म्यूज़ियम ना बहुत बड़ा है, अगर आप लोगों को देखने का मन रह जाए ना तो एक बार ज़रूर आओ। चलिए अंदर जाते। ये देखो धागा वगैरह जो पुराना टाइप के जो बनाते थे ना, धागा वगैरह कोई धागा बनाते थे लोग। ये देखो पुराना टाइप का जितना कपड़ा बनाते थे, देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुराने टाइप पे जितना कपड़ा वपड़ा बनाते हैं ना, देखो सिल्वर वगैरह सब वगैरह वगैरह बनाते, कुर्ता पंजामा छोटे छोटे बच्चे का कपड़ा वगैरह वगैरह। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, कपड़ा वगैरह वगैरह चादर जो भी हो। इधर देखो काफ़ी सारा है, इधर बहुत कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखो लोगों का माथे का कैप पहले ज़माने कैसे था, राजाओं का छोटी छोटी कैप वगैरह था, पैर का कंगन वंगन हाथ का चूड़ी बूढ़ी सब है भाई साहब। बहुत कुछ देखने को मिलता है इधर। इधर भी देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, मशीन सीख भी है। कैसे बनाते थे कपड़ा, ये देखो ऐसा मशीन था पहले ज़माने में, देखिए क्या ऐसे मशीन था लोग कपड़ा बनाते थे तो मशीन से, फिर जाके बनता था ये सब कपड़ा, अपना कपड़ा। आज यूनिक यूनिक सा बना, ये देखो क्यूट्स क्यूट सब अच्छा है। ये देखो छोटी छोटी इनसे अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी से दिखाता हूँ। ये देखो ये है, ये है, नीचे भी कई सारा है देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो राजा और रानी, दुल्हन और दुल्हनी, दुल्हनी 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 दुल्हनी। तो गांधी जी का जन्म हुआ था कभी 1869 पे, ऑफ हुए कभी 1948 शायद, ऑफ हुए थे देश के लिए लड़ते लड़ते। सो दोस्तों अगर आप लोग का ये देखने के लिए फोटो वगैरह मन है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। पुराने ज़माने का कितना फोटो वगैरह है देखने के लिए मिल रहा है, छोटी छोटी फोटो है, अभी खींच के दिखाता हूँ मेरे को, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने। यहाँ पे भी है राजा वगैरह है पुराने ज़माने के, इतना किला वगैरह था पहले पहले टाइम पे, बहुत कुछ था, सब यूनिक हो गया सब कुछ। ये देखो लोगों का तभी भी लोग क्या क्या थे पुराने टाइम का फोटो। सबसे ज़्यादा यहाँ का अच्छा अच्छा सबसे अच्छा लगा, चारों साइड काफ़ी अच्छा लग रहा है, कई सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए इधर। तो
अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे भीड़ भाड़ हो रही है, अपन का तो खत्म हो गया, बहुत सारा घूम लिया है यहाँ पे एरिया। इधर इधर भी छोटी छोटी मूर्ति वगैरह है, फोटो वगैरह देखने के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। काफ़ी पीछे भी तो गए हैं देखने के लिए, अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप लोग भी एक बार आओ इधर घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आई होप। तो दोस्तों यहाँ का भी एरिया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए एरिया का, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो आप लोग भी एक बार आओ, मैं नीचे आ चुका हूँ ऊपर से, तो अच्छा लग रहा है देखने। देखो दोस्तों मैं अभी नीचे आ चुका हूँ, देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए यहाँ का एरिया। तो मैं बार बार आ चुका हूँ ऊपर से, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्ति वगैरह है, तो आप लोग भी आओ एक बार घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा इधर। जैसे कि यहाँ पर एरिया काफ़ी एक्शन भी है और लाइटिंग जितना की है ना उन्होंने लोग ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एरिया का नाम है छत्रपति शिवाजी वास्तव्य संग्रहालय, तो एक बार आओ, मतलब छोटी छोटी लोखंड वगैरह जितना है ना आप लोगों को देखने को मिलेगा आई होप। एरिया काफ़ी मस्त है, तो क्यों ना एक बार ट्राई करिए आप लोग, लेट्स फाइंड आउट। ये देखो कितना बड़ा चीज़ है, देखो इतना बड़ा बड़ा पक्षी वगैरह था इंसान के जैसा, देखो इतना लंबा लंबा टांग, इतने पक्षी है। आप लोग इनमें से कितना पक्षी का नाम पहचानते हो बताना कमेंट करके, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये म्यूजियम भाई काफ़ी फेमस है देखने के लिए, इतना पक्षी वगैरह माँ, यही तो अपना ओरिजिनल है भाई, रॉयल वाला है। देखो साग भी देखेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए, इतना बड़ा है। अभी देखे बत्तख, बत्तख है ना, बत्तख डक, ये देखो कितना सारा ऐसे लगा है, अभी अभी डाल के रखे। इधर देखो भाई साहब छोटी छोटी अंडा माँ कचम, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। ये देखो काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है, इधर छोटी छोटी चीज़ देखने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो ये रहा इतना है ना बात वगैरह है, देखो सारा पक्षी वगैरह है म्यूजियम के अंदर, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत सारा वगैरह रियल में है भाई साहब, कुछ ख़त्म नहीं हुआ सब रियल में भी अभी तक है जितना है ना। ये देख रहे हैं ना जो इनमें से तक गया, इधर देखो भाई साहब ये रहा मंकी, ये रहा छोटी मंकी, ये देखो कितना पैदल के मंकी, ये देखो इतना छोटी छोटी मंकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अब तक मेरे को लाइफ से सबसे मस्त लगा ये तो भाई गाय है, गाय रियल लग रहा है पूरा, देखो काफ़ी सारी अच्छा लग रहा है एरिया देखने में। तो दोस्तों इधर ना एक बार आओ जरूरी, एक बार तो आओ तो सही, इनको देख के जाओ काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो इनका प्रजाति काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ मगर रियल नहीं, फोटो में तो काफ़ी मतलब रियलिस्टिक लग रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। देखो बर्ड्स वगैरह हरिंग बकरी देखिए, ये देखो ये सब तो मिलता है यार, देखो इनका इनका फिल्म भी बनाने का, ये देखो के भाई देखो ना बड़ा है, ये ना मोटा मोटा है टाइगर। तो दोस्तों यहाँ का ना एरिया देखे ना मेरे को ना काफ़ी मतलब
हिल गया अंदर से, देखो थोड़ी सी किलेरी विलेरी जितना है ना, अरे देखो क्या क्या चीज़ है, क्या क्या एकदम रियलिस्टिक लग रहा है दोस्तों। ये रो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, लग रहा है देखो। इसके बेटा है ऊपर, ये अपना वाइट टाइगर, मुंह देखो बंदे का, आ आ देखे क्या आ कर रहा है बताओ। इसके चपेट में आया तो समझ रहे हो ना, इसके चपेट में आया तो क्या होगा मालूम है ना भैया, वो क्या भी हो सकता है। ये बालू कर देगा कालू, ये बालू इधर के हिंदू का कल पचड़ती है, देखो ये सोया है जेब में पैसे नहीं दे रही, साहब जी ने मुँह निकाल दिया, ये देखो ये चोस तो कर दिया नहीं, देखो इधर मुँह तो देखो भैया का, इधर से देखो कभी अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। ये देखो जंगली डॉग, जंगली रॉयल डॉग, बिल्ली प्रजाति देखी क्या, काफ़ी अलग अलग तरीके से देख रहा है किसान। देखो बकरा, जंगली बकरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा रहता है भाई साहब, सच में इतने बड़े रहता है बकरा, बड़ी बड़ी हाथी का बच्चा, इतना खिलेरी विलेरी, ये तो क्या क्या है, खराब गया इसका थोड़ा मुँह है तो, या फिर भी यहाँ का एरिया देखो पूरा बकरा है पूरा भाई साहब, हाँ बड़ी बड़ी बकरा, चीता चीता बोले चीता बैठा है भाई साहब, चीता अच्छा लग रहा है देखने के लिए, यहाँ का एरिया का काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को इधर एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इधर एक बार आइएगा तो मिलते हैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स फाइंड आउट।